الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأعمى والبصير और नहीं बराबर हो सकते अंधा और देखने वाला। वल जुलुमात वल नूर, और ना अंधेरे और ना रोशनी। वल जिल्लु वल हरूर, और ना साया और ना धूप। वमा यस्तविल अहया, जिंदा और ना मुर्दा। इन अल्लाह युस्मिउ मन यशा, बेशक अल्लाह ताला सुना दे जिसे अल्लाह चाहे। वमा अंत बिमुस्मिउ मन फिल कुबूर, और नहीं है आप ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमुस्मिउ सुनाने वाले, मन फिल कुबूर जो कब्रों में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आमा यानी अंधा आंखों से, वल बसीर और देखने वाला, नाबीना और बीना बराबर नहीं हो सकते कभी भी। यहाँ नाबीना और बीना से मुराद यानी अल्लाह के दीन से अंधा और अल्लाह के दीन को देखने वाला, अल्लाह के दीन की बसीरत रखने वाला, अल्लाह के दीन पर ईमान रखने वाला वो बसीर है। और अल्लामा को ना जो अल्लाह के दीन से अंधा है, काफिर और मोमिन ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। काफिर को अंधा क्यों कहा जाता है और मुसलमान को बसीर क्यों कहा जाता है? जी क्योंकि शेख साहब, मुसलमान के पास हदायत की रोशनी है, वो उस रोशनी की वजह से जो बुराई है और अच्छाई उसमें फर्क कर सकता है। काफिर इस चीज़ से महरूम है, वो इस बसीरत से महरूम है वो। काफिर अगर अल्लाह ने उसको जाहिरन आंखें दी भी हों, फिर भी वो असल में दिल का अंधा है, बसीरत से महरूम है, तो वो अंधा है। और मुसलमान अगर अगरचे वो जाहिरी तौर पर अगर अल्लाह ने उसको आंखें ना भी दी हों, लेकिन उससे बढ़कर बसीर कौन होगा, देखने वाला, साहिब बसीरत। वो अल्लाह के दीन को पहचान रहा है, अल्लाह के दीन को गया के देख रहा है, और वो अल्लाह के वाज अहकाम की रोशनी में जिंदगी बसर कर रहा है। अल्लाह ने उसको नूर अता किया है, अल्लाह ने उसको अंधेरे से नूर अता कर दिया है, तो वो कैसे आमा हो सकता है, चाहे वो जाहिरन आंखों से अंधा ही क्यों ना हो। और अगर काफिर जाहिरन उसके पास आंखें मौजूद भी हों, उससे बड़ा अंधा कौन होगा। सूरह ताहा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا, سورة طه آية نمبر 124. अल्लाह फरमाते हैं, मन अअरद अन ذكري, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, मेरे जिक्र से यानी कुरान से, मेरी याद से, मेरे दीन से एराज करेगा, मुंह मोड़ेगा, फ़ाइन लहू मईशतन ज़न का, तो उसकी मैं मईशत तंग कर दूंगा।
वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, और हम उठाएंगे उसको क़ियामत के दिन अंधा। क़ियामत के दिन अंधा उठेगा, उसकी आंखें नहीं होंगी। आला रब्बी लिमा हशरतनी अमा वक़द कुंतु बसीरा, वो कहेगा ऐ मेरे रब, आपने मुझे अंधा क्यों उठाया, मैं तो देखने वाला था। क्या मतलब है मैं देखने वाला था, मुझे आपने अंधा क्यों उठाया? और आता कि दुनिया में मेरी आंखें थीं, दुनिया में मैं देखता था, अब मैं देखता क्यों नहीं? तो क्या फरमाएंगे अल्लाह ताला? कहा कदालिक अतत का आयातुना फनसीता, अल्लाह फरमाएंगे इसी तरह आई थी तेरे पास मेरी आयतें, तू उनको भूल गया था। व कदालिक अल्यौम तुनसा, आज भी तुझे भुला दिया जाएगा। तो जो दुनिया में अल्लाह की आयतों से अंधा रहा, अल्लाह के दीन से अंधा रहा, अल्लाह की निशानियों से अंधा रहा, गोया कि अल्लाह ने आंखें दी भी उसको जाहिरन, और वो फिर बेबसीरत रहा, तो गोया कि वो अंधा है, और अल्लाह उसको क़यामत के दिन अंधा उठाएंगे। और इसी तरह एक और जगह पर अल्लाह फरमाते हैं ओमन का नफ़ी हादही आमा फहुव फिल आखिरत आमा, सूरह बनी इसराइल, इसको सूरह इसरा कहते हैं, आयत नंबर 72। जो इस दुनिया में अंधा है तो वो आखिरत में भी अंधा होगा, ज़्यादा गुमराह होगा रास्ते से। यहाँ अंधे से क्या मुराद है? यहाँ अंधे से मुराद कुफर है। अल्लाह के दीन से, अल्लाह की निशानियों से, अल्लाह की वही से अंधा। अल्लाह ने आंखें दी भी हैं जाहिरन, वो आंखों का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। दुनिया में अंधा रहा तो आखिरत में ज्यादा अंधा होगा, ज्यादा गुमराह होगा। तो इससे पता लगा कि अंधा किसे कहा जाता है? अंधा उसे कहा जाता है जो अल्लाह के दीन से, अल्लाह की निशानियों से आंखें बंद कर रखी हो, उसने चाहे जाहिर उसकी आंखें मौजूद ही क्यों ना हो। और बसीर किसे कहा जाता है? बसीर वो है कि जिसको अल्लाह ने नूरे बसीरत अता किया है, जो अल्लाह के दीन को समझने वाला है, अल्लाह की निशानियों पर गौर करने वाला है, कुरान को पढ़ने वाला है, नबी की तालीमात को पर गौर व फिक्र करने वाला है, और वो उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, चाहे वो ज़ाहिरन नबीना ही क्यों ना हो, उससे बड़ा साहिब बसीरत कौन होगा? अल्लाहु वलीयुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अल्लाह दोस्त है ईमान वालों का, अल्लाह तो उन्हें निकालता है अंधेरों से नूर की तरफ। जिसको अल्लाह ने नूर अता किया है वो कैसे अंधा हो सकता है, चाहे वो जाहिरन अंधा ही क्यों ना हो? इससे बहुत बड़ा उसूल साबित होता है। एक क्या उसूल साबित होता है इससे कि किसी शख्स के पास दुनिया में कोई भी सलाहियत है, अल्लाह ने उसे माल दिया, अल्लाह ने उसे इख्तदार दिया, अल्लाह ने उसे सलाहियतें दी, अल्लाह ने उसे खूबसूरती दी, अल्लाह ने उसका हसब नसब अच्छा किया, अल्लाह ने उसे दुनिया जहाँ की नेमतें दी। अगर एक शख्स के पास दुनिया जहाँ की नेमतें हैं लेकिन वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, वो अल्लाह के दीन से अंधा है, अल्लाह के दीन पर गौर नहीं करता, ये तो माल इख्तदार और दीगर नेमतें हैं, अल्लाह ने उसे सेहत दी, अल्लाह ने उसे इंसान बनाया, अल्लाह ने उसे अकल दी, अल्लाह ने उसे कान दिए, अल्लाह ने उसे आंखें दी, ये भी बहुत बड़ी बड़ी नेमतें हैं। जिस तरह माल इख्तदार दीगर अल्लाह की नेमतें, दीगर सलाहियतें अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसी तरह ये कान आंखें दिल ये कोई छोटी नेमत है। अगर इनका पैसों के हिसाब से, रकम के हिसाब से इनका अंदाज़ा लगाया जाए तो करोड़ों अरबों भी कम है। जिसके पास नहीं है उससे पूछें, किसी के पास आंखें नहीं है जरा उससे पूछें आंखों की कीमत क्या होती है, और उसके पास अगर रकम मौजूद हो तो कितनी रकम खर्च कर सकता है आंखों के लिए, और जिसके पास आंखें हैं जरा उससे पूछिए वो अपनी आंखें कितने में बेच सकता है, वो करोड़ों की भी नहीं बेचेगा, अरबों की भी नहीं बेचेगा। जिसके पास कान है, जिसके पास दिल है, कोई मालदार शख्स है, उसके पास कानून का खजाना अगर है, लेकिन अगर वो दिल का उसको रोग लगा हुआ है, अगर वो हार्ट पेशेंट है, तो ज़रा उसे पूछें कि एक सही सालिम दिल की जो है वो क्या कीमत है। तो इस आयत करीमा से और इस जैसे दीगर आयात से एक बहुत बड़ा उसूल साबित होता है। वो उसूल ये साबित होता है कि अल्लाह की जितनी नेमतें हैं वो सारी नेमतें तब बनती हैं जब कोई शख्स अल्लाह के साथ ईमान रखता है, अल्लाह के साथ ताल्लुक रखता है। तो अगर ईमान नहीं है
अगर एक बंदा मुसलमान नहीं है, अगर एक बंदा अल्लाह पर ईमान नहीं रखता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं रखता, कुरान पर ईमान नहीं रखता, तो दुनिया जहां की नेमतें कोई हैसियत नहीं रखती, 0/0। आप समझिए कि दुनिया की हर नेमत को एक जीरो बना दीजिए। एक बंदे के पास 20 नेमतें हैं, आप समझिए 20 जीरो लग गए। 20 जीरो क्या बेचते हैं और 20 जीरो की क्या हैसियत है जब तक कोई उनके साथ एक नंबर ना लगे। वो एक नंबर कैसे लगेगा? वो ईमान के साथ लगेगा। अल्लाह पर ईमान लाकर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर वो एक नंबर लगेगा। वो जब तक एक नंबर शुरू में नहीं होता, वो जितने जीरो हैं उसके बाद वो सारे के सारे बेफायदे हैं और बेमकसद हैं। आप दुनिया जहां की जाहिरी सारी नेमतों को, चाहे वो अल्लाह ने हमें जिस्मानी तौर पर नेमतें अता की हैं, चाहे अल्लाह ने हमें उसके अलावा माल दौलत, इकतदार, हुसन, हसब नसब और दीगर सलाहियतें अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं, सारी के सारी 0/0। जब तक ईमान की दौलत नहीं है। अगर ईमान है, बाकी चीजें ना भी हों दुनिया की नेमतें, तो कोई बात नहीं। ईमान है तो सब कुछ है, क्योंकि ईमान के साथ दुनिया भी हयात तय्यबा बन जाती है और आखिरत भी हयात तय्यबा बन जाती है, चाहे दुनिया की नेमतें मौजूद ना भी हों। मन अमिल सालिहं मिन ज़करिन अव उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह फरमाते हैं, जो बंदा भी नेक अमल करे, खा वो मर्द हो खा औरत हो, और वो मुखलिस भी हो, हम उसे पाकीज़ा ज़िंदगी अता करते हैं। पाकीज़ा ज़िंदगी कब है? ईमान के साथ। माल दौलत है कि नहीं, ये चीज़ ज़्यादा मैटर नहीं करती। हम अल्लाह के अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलाम, कितनी ज़ाहिरी नेमतें कितनी थी उनके पास। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन का मुकाबला कर लीजिए, कारून का मुकाबला कर लीजिए, हामान का मुकाबला कर लीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू जहल का, वलीद बिन मुगीरा, बदबख्त, ये सारे लोग, इनकी माल दौलत और इनकी दुनियावी शान व शौकत, कैसर व किसरा के बादशाह, दुनियावी नियमतों के अतबार से आप मुकाबला कर लीजिए सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम और दीगर अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलाम। इनकी पाकीज़ा ज़िंदगी थी, पाकीज़ा तरीन ज़िंदगी थी। अगरचे दुनिया में आजमाइशों का शिकार थे, सबसे ज्यादा आजमाइशें, लेकिन उनसे ज्यादा पाकीज़ा जिंदगी, उनसे ज्यादा बाबरकत और अच्छी जिंदगी किसकी होगी? ये तो दुनिया की जिंदगी की बात है, और आखिरत वो तो अंडरस्टूड है। ईमान है तो सब कुछ है, ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं। इसका मतलब है कि अगर एक शख्स मोमिन नहीं है, तो आप समझिए कि अल्लाह ने आंखें दी हैं लेकिन वो अंधा है, अल्लाह ने कान दिए हैं वो बहरा है, अल्लाह ने जबान दी है वो गूंगा है, अल्लाह ने उसको इंसान बनाया है, अकल दी है जाहिरन लेकिन वो जानवरों से बदतर है, अल्लाह ने उसे जिंदगी दी है लेकिन वो मुर्दा है। जितनी आप और मिसालें इस तरह पेश कर सकते हैं कर लीजिए। और ये बात कुरान करीम में एक जगह नहीं, कुरान करीम में बहुत सारे मकाम पर अल्लाह ने इस बात को वाज़ह फरमाया है। सूरह बकरा के शुरू में अल्लाह ने फरमाया, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिउन। ये बहरे हैं, ये गूंगे हैं, ये अंधे हैं, ये लौटते नहीं है अल्लाह की तरफ, दीन की तरफ, जो अल्लाह की तरफ ना लौटे, दीन की तरफ ना लौटे, कान होने के बावजूद बहरा, आंखें होने के बावजूद अंधा, जबान होने के बावजूद गूंगा। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, उलाइका हुमुल गाफिलून। ये जानवरों की तरह हैं, जानवरों से भी बदतर हैं। ये कैसे इंसान है? इंसान अशरफुल मखलूकात है, ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है अगर ये मोमिन नहीं है तो। यही जगह अल्लाह फरमाते हैं, इन शर्र दवाब इंद अल्लाह अल्लज़ीन कफरू। बदतरीन जानवर, जानवरों से जो बदतरीन जानवर हो सकते हैं, हम जिनको कमतर से कमतर समझते हैं, वरना जानवर भी फितरत पर होते हैं, वो भी बुरे नहीं है, हम उनको हल्का समझते हैं, हम कहते हैं ये तो इंसान नहीं, ये तो जानवर है। अल्लाह कहते हैं कि वो इंसान जानवरों से भी बदतर है, गया गुजरा है, कौन? जो काफिर है। दूसरी जगह पर अल्लाह फरमाते हैं, इन शर्र दवाब इंद अल्लाह सुम्मुल बुकमुल लदीन ला याकिलून। सूरह अनफाल की आयत है। बदतरीन जानवर कौन है? असुम अल बुकम, बहरे और गूंगे, ला याकिलून, जो अकल नहीं करते। तो क्या उसूल पता लगा जी? कौन दोहराएगा आप में से?
जी शेख साहब, कि अगर अल्लाह ताला ने इंसान को हक और बातिल पहचानने की वो सलाहियत दी है और वो उसको नहीं पहचान पाता, तो वो उस जानवर से भी बदतर है जिसके अंदर ये सलाहियत मौजूद नहीं है। बाहरी तौर पे तो उसके आंख कान नाक वगैरह हैं, मगर यही सलाहियत अल्लाह ताला ने इंसान को भी दी और वो हक नहीं पहचान पाता, तो वो उस जानवर से भी बदतर है। बिल्कुल ठीक। यानी अगर मैं दूसरे अल्फाज में कहना चाहूँ, आपके पास दुनिया जहाँ की हर नेमत है, जाहिरन ईमान की अगर दौलत नहीं है तो आप समझिए आपके पास वो नेमत नहीं है। यानी अगर आप, अल्लाह ने आपको कान दिए हैं, कान बहुत बड़ी नेमत है ना, जाहिरन कान दिए हैं, लेकिन अगर आप मोमिन नहीं है तो आप समझिए आपके पास कान नहीं है, आप बहरे हैं। जबान कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की। जाहिरन अगर ईमान नहीं है तो आप समझिए आपके पास जबान की नेमत नहीं है, आप गूंगे हैं। अगर अल्लाह ने आपको आंखें दी हैं जो कितनी बड़ी नेमत है, लेकिन ईमान नहीं है तो आप समझिए आपके पास आंखें नहीं है, आप अंधे हैं। और अगर अल्लाह ने आपको इंसान बनाया है और अगर आप मुसलमान नहीं है तो आप समझिए आप इंसान अशरफुल मखलूकात नहीं है, आप बदतर से बदतर मखलूक हैं। कौन सी मखलूक आपसे बदतर होगी, आप सबसे बदतर मखलूक हैं। सुम्मा रददना हुआ असफल साफिलीन। अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है, दुनिया जहाँ का माल दिया, कानून जैसा खजाना दिया, लेकिन अगर ईमान नहीं दिया तो ये अजाब है अल्लाह का, ये आपके पास नेमत नहीं है। ये माल अंगारे हैं आपके पास, ये आग है, आग के अंगारे हैं जो आपने इकट्ठे किए हुए हैं। अगर अल्लाह ने आपको हुस्न दिया है लेकिन अगर ईमान नहीं है तो इससे बड़ी बदसूरती क्या होगी। तो दूसरे अल्फाज में के अगर ईमान नहीं है तो दुनिया जहाँ की कोई नेमत नेमत नहीं है। और अगर इसी को होल्ड करें, अगर ईमान है तो सब कुछ है, चाहे दुनिया जहां की सारी नेमत कोई नहीं है। क्लियर है ये बात इस आयते करीमा से और दीगर आयते करीमा से, और ये बहुत बड़ा उसूल है। और अगर ये हमें समझ आ जाए, हमारी सारी हसरतें, हमारी सारी जो है ना वो बदजनियां अल्लाह रब्बुल आलमीन से, जो अल्लाह ने काफिरों को इतना नवाज दिया, हमारे पास नेमतें नहीं है। ये अल्लाह ने, अगर आपको, अगर अल्लाह ने आपको ईमान की नेमत दी है तो इससे बड़ी नेमत क्या होगी। क्योंकि जन्नत में दाखिले के लिए, दुनिया में हयात तय्यबा के लिए ईमान जरूरी है, इत्मीनान कल्ब के लिए। जो असल नेमत अल्लाह ताला की, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, तो इत्मीनान कल्ब तो ईमान के साथ हासिल होता है। जन्नत, एक बंदा कारून का खजाना हो जन्नत ही नहीं हो सकता, दुनिया उसकी अच्छी नहीं हो सकती, उसकी दुनिया भी तबाह है, आखिरत भी तबाह है। फिरौन जैसा इकतदार हो, दुनिया भी तबाह है, आखिरत भी तबाह है। हामान जैसा वजीर हो, वजीर आजम हो, बड़े से बड़ा ओहदेदार हो, दुनिया भी तबाह है, आखिरत भी तबाह है। नमरूद जैसा हो, शद्दाद जैसा हो, दज्जाल जैसा हो, जैसा भी हो, जितनी मर्जी दुनिया की नेमतें हों, अगर ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दुनिया भी तबाह है, आखिरत भी तबाह है। और अगर ईमान है और जाहिरी नेमत नहीं भी है तो सब कुछ है। और जिसको ये बात समझ में आ जाती है, वो सब हसरतों से वो दूर हो जाता है। अल्लाह उसको ऐसा इत्मीनान, ऐसा सुकून, ऐसा ऐसी कनात अता करते हैं। मुझे आप बताइए कि वो एक औरत थी, सुभान अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत क्या थी और सहाबा किराम का ईमान क्या था, जरा तसव्वुर कीजिए कि एक औरत नबीना है, नबी सल्लम की खिदमत में हाजिर होती है, अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह तुम मुझे आंखों की नेमत दे दे। शायद नबीना के बारे में भी है। और वह एक औरत, उसको दौरा पड़ता था, उसने कहा अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस बीमारी को मुझसे दूर कर दे। तो आपने फरमाया, अगर चाहो तो मैं दुआ कर देता हूँ, और अगर चाहो तो इस पर सब्र करो, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत देगा। तो उसने कहा कि अल्लाह के रसूल ठीक है, मैं सब्र करती हूँ और मैं अल्लाह से जन्नत की तलबगार हूँ, बस एक दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला से, अगर मुझे दौरा वगैरह पड़े तो मेरा सतर ना खुले। कैसा ईमान है और कैसी तरबियत है। अगर ये तरबियत हो, मुझे बताइए दुनिया दुनिया की हसरत में कौन मुबतला होगा, कोई भी मुबतला नहीं होगा। हमारे आज सारे मसले वो दुनिया और मटेरियलिज्म और फलां के पास ये है, फलां के पास ये है, मेरे पास फलां चीज़ नहीं है, मेरे पास फलां चीज़ नहीं है। शायद आंखों के बारे में भी इस किस्म की हदीस मौजूद है। तो सबसे बड़ी दौलत ईमान, और अगर ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इन आयाते करीमा से हमें ये पता लगता है।
नहीं बराबर हो सकता, कभी भी बराबर नहीं हो सकता अंधा और देखने वाला। एक मुसलमान एक काफिर कभी भी बराबर नहीं हो सकते, जमीन आसमान का फर्क है। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि एक मुसलमान ईमान वाला दुनियावी तौर पर वो एक फकीर, एक गरीब, एक मिस्कीन है, लेकिन ईमान वाला है एक तरफ, और एक तरफ एक मालदार शख्स है, बहुत दुनिया की नेमतें हैं उसके पास, बहुत दुनिया की नेमतें हैं, लेकिन ईमान नहीं है। अगर जिसके पास दुनिया की इतनी नेमतें हैं, अगर इस जैसे लोगों से पूरी दुनिया भर जाए, और दूसरी तरफ एक गरीब मिस्कीन ईमान वाला, ऐसा गरीब मिस्कीन ईमान वाला कि जाहिरी तौर पर अगर वो किसी के पास जाए, लोग देख के समझे कि कौन है, लोग उसकी इज्जत ना करें, अगर वो कोई सिफारिश करे किसी की, लोग उसकी सिफारिश माने ना, कि तुम कौन होते हो सिफारिश करने वाले, कहीं रिश्ता भेज दे तो लोग आगे से नाराज हो जाएं कि तुम्हें जरूरत कैसे हुई हमारे घर में रिश्ता भेजने की, तुम्हारे पास स्टेटस क्या है, तुम्हारे पास क्या चीज़ है। लेकिन है वो ईमान वाला, लेकिन है गरीब एक शख्स, और दूसरी तरफ अगर कोई मालदार इकतदार वाला शख्स, लेकिन वो मोमिन नहीं है, अल्लाह का नाफरमान है, अगर ऐसे लोगों से पूरी दुनिया भर दी जाए, और दूसरी तरफ एक शख्स है ईमान वाला और गरीब मिस्कीन, दुनियावी तौर पर उसकी कोई हैसियत नहीं है, तो ये एक शख्स दूसरे जैसे पूरी दुनिया से भरे हुए लोगों से ऊपर भारी है। हदीस, सही हदीस मुबारक में ये मिसाल मौजूद है, आपने सुनी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक गरीब मिस्कीन मुसलमान गुजरा, आपने सहाबा के नाम से पूछा तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है, सहाबा के नाम ने फरमाया, उन्होंने जो बात थी उन्होंने कर दी कि दुनियावी तौर पर तो इसकी ये हैसियत है कि अगर ये सिफारिश करे, लोग सिफारिश कबूल नहीं करेंगे, रिश्ता भेजें तो लोग नाराज होंगे कि रिश्ता क्यों भेजा है, आप खामोश हो गए, तरबियत करनी थी आपने। फिर एक ऐसा शख्स गुजरा जो बड़ा मालदार था, फूफा वाला था, आपने हमें इसके बारे में क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा जाहिर तौर पर ये बड़ा बावकार शख्स है, बड़ा वजी शख्स है, अगर ये कहीं सिफारिश करे, लोग इसकी सिफारिश कबूल करेंगे, रिश्ता भेजे, लोग हाथों हाथ लेंगे कि हमारी खुशकिस्मती है इसने हमारे घर रिश्ता भेज दिया। तो आपने क्या फरमाया था, यही फरमाया था आपने कि अगर पूरी दुनिया इस जैसे लोगों से भर दी जाए तो वो उस शख्स के बराबर नहीं हो सकते, वो शख्स अकेला ही इन सब लोगों पर भारी होगा। वमा यस्तविल अमा वल बसीर, कभी भी अंधा और देखने वाला बराबर नहीं हो सकते, कभी मुसलमान और काफिर बराबर नहीं हो सकते, वल ज़ुलुमात वल नूर, और ना अंधेरे और ना नूर, अंधेरे और नूर से मुराद बातिल और हक, कभी हक और बातिल बराबर नहीं हो सकते, और जुलुमात को जमा जिक्र किया है और नूर को वाहिद जिक्र किया है, क्योंकि अंधेरे ज्यादा होते हैं, गलत रास्ते ज्यादा होते हैं, और हक एक होता है। इस्लाम का रास्ता वो एक रास्ता है, आसान रास्ता है और एक रास्ता है, और बातिल रास्ते वो खत्म ही नहीं होते। जब हक की बात आती है तो सिरात, सिराते मुस्तकीम, सीधा रास्ता एक, और जब बातिल की बात आती है तो सुबुल, सबील नहीं सुबुल, रास्ते। وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه, सूरह नाम में फरमाया कि ये मेरा रास्ता है सीधा, इसकी पैरवी करो, जो अल्लाह का रास्ता सीधा इस्लाम का सीधा सीधा रास्ता है, वाज एक रास्ता है एक, वला तत्तबिउ सुबुला, और रस्तों की पैरवी ना करो, सुबुल जमा है, फतफर्रक बिकुम अन सबीली, अगर तुम ज्यादा रस्तों की, ज्यादा बातिल रस्तों की पैरवी करोगे तो वो तुम्हें अल्लाह के एक हक रस्ते से तुम्हें वो इधर उधर ले जाएंगे। ज़ालिकुम वसाकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, ये अल्लाह तुम्हें वसीयत करते हैं ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। तो हक एक होता है, अंधेरे ज्यादा होते हैं, कभी भी हक और अंधेरे बराबर नहीं हो सकते, सैकड़ों रास्ते बना लें, गलत बातिल रास्ते, जाहिरन बड़े चमकते नजर आए हमें, बड़ा माल नजर आए उनमें, इख्तदार वाले उन रास्तों के पैरोकार हों, तो वो अंधेरे रास्ते वो कभी भी नूर के बराबर नहीं हो सकते, कभी भी हक और बातिल बराबर नहीं हो सकता, हमेशा हक सर बुलंद रहेगा और हमेशा हक सबसे बढ़कर रहेगा और वो गालिब रहेगा।
जिसके पास दलील है ना, वो हक के रास्ते पर है, चाहे वो अकेला है। जिसके पास दलील नहीं है, वो बातिल रास्ते पर है, चाहे वो हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, चाहे वो मालदार इकतदार वाले लोग हैं। हमें दलील की पैरवी करनी चाहिए, हक की पैरवी करनी चाहिए, चाहे दलील की पैरवी करने वाले, हक की पैरवी करने वाले इक्का दुक्का लोग ही क्यों ना हो, थोड़े लोग क्यों ना हो। बदा अल इस्लाम गरीबन व सयऊदु कमा बदा, इस्लाम अजनबी शुरू हुआ था और एक वक्त आएगा कि इस्लाम दोबारा अजनबी हो जाएगा। हमें इस्लाम के पीछे चलना है, हक के पीछे चलना है, नूर के पीछे चलना है, दलील के साथ चलना है। ये नहीं देखना कि ज्यादा लोग किस तरफ हैं। अगर ज्यादा लोगों की तरफ हम चल पड़े, किल्लत व कसरत को देखना शुरू कर दिया, तो अल्लाह फरमाते हैं قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ, कह दीजिए कभी भी नापाक और पाक बराबर नहीं हो सकते, अगरचे नापाकी की कसरत आपको अच्छी क्यों ना लगे, नापाकी की कसरत ही क्यों ना ज्यादा हो जाए। कभी भी शराब और दूध बराबर नहीं हो सकते, चाहे शराब की कसरत बहुत ज्यादा क्यों ना हो जाए। कभी भी बातिल और हक बराबर नहीं हो सकते, अगरचे बातिल पर अमल करने वाले लाखों करोड़ों ही क्यों ना हो जाए। हक पर अमल करने वाला एक भी होगा ना, तो वो अल्लाह को महबूब है, अल्लाह का प्यारा है। इन्ना इब्राहिम कान उम्मा कानित लिल्लाह हनीफा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले ही एक उम्मत थे, एक जमात थे बहुत बड़ी, एक शख्स है लेकिन एक जमात है, हक पर था, हक का आलम बुलंद किया। पूरी कौम उनकी मुखालिफ थी, उन्होंने अपने कौम को तौहीद की दावत दी, वो मुशरिक कौम थी, उन्होंने अपने बुत तोड़े, उन्होंने हक वाजे किया अपने कौम के सामने, पूरी कौम इतनी खिलाफ हो गई, पूरी कौम ने कहा इनको आग लगा दो, इनको आग में जला दो। अकेले ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक शख्स है लेकिन जमात है पूरी। तो कभी ये ना देखें कि इस पर अमल करने वाले कितने लोग हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि वमा अक्सर उन्नासी वलो हरसता बिमुमिनीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप कोशिश भी कर लें, आप हिर्स भी कर लें, अक्सर लोग ईमान नहीं लाएंगे। अक्सर हम मुशरिकून, अक्सर हम काफिरून, अक्सर हम ला यालमून, कुरान में जगह जगह मिलेंगे, लेकिन थोड़े लोग हैं जो ईमान लाते हैं। वखलीलु मिन इबादी अश्शकूर, थोड़े बंदे हैं मेरे बंदों में से जो शुक्र गुजार हैं। अक्सर लोग जब वो पार्टनरशिप करते हैं, खल्त मल्त करते हैं अपने मामला, तो अल्लाह फरमाते हैं दूसरे पर जुल्म ज्यादती करते हैं, लेकिन ईमान वाले वो इस जुल्म ज्यादती से बच जाते हैं, चाहे वो पार्टनरशिप ही क्यों ना करें। और अल्लाह फरमाते हैं कितने थोड़े लोग हैं। وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ, अक्सर आपस में पार्टनरशिप करने वाले एक दूसरे पर जुल्म ज्यादती करते हैं, सवाए ईमान वालों के, नेक अमल करने वालों के, वो नहीं करते वो, और वो कितने थोड़े हैं। وَقَلِيلٌ مَا هُمْ, तो कभी भी इससे ना घबराइए कि इस राह पर अमल करने वाले कितने थोड़े हैं। तो हक एक होता है, बातिल ज्यादा होते हैं, तो कभी भी हक और बातिल बराबर नहीं हो सकते। वल जिल्लु वल हरूफ, और ना साया और ना धूप, साया और धूप भी कभी बराबर नहीं हो सकते। साया और धूप से क्या मुराद है? या साया और धूप से मुराद यही हक और बातिल की बात है। आप समझिए कि साया जो है वो हक है और हरूफ ये बातिल है, या ये ईमान और कुफर की बात है, या फिर साया और धूप से मुराद बदला है इस ईमान का और इस कुफर का, यानी सवाब और इकाब। ईमान का सवाब होता है अच्छी जजा की सूरत में, दुनिया में भी अल्लाह ताला हयात तय्यबा अता करते हैं और आखिरत में भी नेमते हैं, और जो कुफर है, अल्लाह की नाफरमानी है, बातिल है, उस पर अमल करने की सज़ा होती है। तो वो आज समझिए वो है कि उस सज़ा को अलहरूर से तशबीह दी, धूप से, गर्मी से, गर्माइश से, आग से। तो आप गोया कि समझिए कि वल जिल्ल वल हरूर ये क्या है, ये सवाब है अच्छा, या ये इकाब है सख्त किस्म का।
या फिर अज़ल से मुराद जन्नत ले लें और अलहरूर से मुराद जहन्नम ले लें, ये भी सवाब इकाब की बात आ जाएगी, जन्नत और जन्नत के लंबे लंबे साए, इतने लंबे लंबे साए हैं दरख्तों के जन्नत में कि सवार अगर 100 साल भी चलता रहे तो वो साए खत्म नहीं होंगे। और जहन्नम, उसमें गरमाइश है और आग है और अल्लाह माफ करे, जलने का अजाब है। तो वाला ज़िल्लु वाला हरूर, साया और धूप बराबर नहीं हो सकते, तो इससे मुराद जजा और सजा या जन्नत और जहन्नम, वल्लाहु आलम। वमा यस्तविल अहया वल अमवात, और जिंदा और मुर्दा भी बराबर नहीं हो सकते। जिंदा और मुर्दा, फिर वही बात, जिंदा और मुर्दा से क्या मुराद है? जिंदा से मुराद ईमान वाले और मुर्दा से मुराद काफिर। यानी अगर एक बंदा ईमान नहीं रखता, जिस तरह मौजू शुरू हुआ है आयत नंबर 19 से, तो गोया कि वो अंधा है, और जो ईमान रखता है वो गोया कि वो देखने वाला है। वहां तो अल्लाह ने गोया कि आंख की बात की ना, कि जो बंदा ईमान वाला है गोया कि वो देखने वाला है आंखों से, वो बसीरत वाला है, चाहे जाहिरन उसकी आंखें ना भी हों। और जो बंदा ईमान नहीं रखता गोया कि वो आंखों से अंधा है, चाहे जाहिरन उसकी आंखें मौजूद भी हों। तो यहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं कि वहां तो सिर्फ एक आंख, एक देखने और ना देखने की बात है, यहाँ तो अल्लाह ताला कहते हैं कि गोया के वो जिंदा और मुर्दा है। सिर्फ आंख की बात नहीं है, बाकी सारी नेमतें भी, उनकी कोई हैसियत नहीं है अगर ईमान नहीं है तो। ना आंख है उसके अंदर, ना उसके अंदर कान है, ना उसके अंदर दिल है, ना उसके दिगर अज़ा काम कर रहे हैं, ना उसको उसका माल फायदा दे रहा है, ना उसको उसका इकतदार फायदा दे रहा है। वो तो मुर्दा है। एक मुर्दा शख्स को उसके कान, आंख, दिल, उसका माल, उसका इकतदार, उसकी हुसन, उसकी बाकी हसब नसब, उसको क्या फायदा देंगे? मुर्दा शख्स को तो कोई चीज फायदा नहीं देती, तो वो तो मुर्दा शख्स है, काफिर शख्स। और जिंदा शख्स कौन है? ईमान वाला। आप समझिए कि जो जिंदा शख्स है उसकी रूह जिंदा है, जो मुर्दा शख्स है चाहे वो चलता फिरता है, बड़ा माल दौलत वाला है, बड़ी जाहिरी नेमते हैं, आप समझिए उसकी रूह मुर्दा है। या अल अहया और अल अमवात से मुराद उलमा और जुहाल ले लीजिए, कि आलिम और जाहिल के भी बराबर नहीं हो सकते। या अल अहया से मुराद अकलमंद ले लीजिए, अल अमवात से मुराद बेअकल ले लीजिए। तो बहरहाल जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते। इन अल्लाह युस्मिउ मन यशा, बेशक अल्लाह ताला सुना दे जिसे अल्लाह चाहे। वमा अंत बिमुस्मिउ मन फिल कुबूर, और नहीं है आप ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना सकते उसे जो कब्र में है। अल्लाह जिसे चाहे सुना दे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी कब्र वाले को नहीं सुना सकते। एक तो इसे पता लगता है कि असलन ये सारा मौजू जो है वो चूंकि काफिर और मुसलमान के हवाले से चल रहा है, हक और बातिल के हवाले से चल रहा है, और इस्लाम और कुफर और हक और बातिल का जो सवाब या इकाब है, वल ज़िल्लु वल हरूर, उस हवाले से चल रहा है। तो यहाँ असल में सुनाने से मुराद और ना सुनाने से मुराद असल में हिदायत देना, कोई बंदा आपकी बात सुनकर हदायत याफ्ता होता है कि नहीं होता, असल तो ये मुराद है। अल्लाह जिसे चाहे सुना दे, यानी अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे दे, और जिसे अल्लाह हदायत ना दे तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे आप भी नहीं सुना सकते, आपके पास भी उसे हदायत देने का इख्तियार नहीं है। असल तो यहाँ मुराद ये है, सुनाने से मुराद अल्लाह जिसे चाहे सुना दे, यानी अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे दे, और ए नबी सल्लम आप भी जिसे चाहें हदायत नहीं दे सकते। गोया के एक शख्स कब्र में है, गोया के एक बेहदायत, एक काफिर शख्स की मिसाल ऐसे है जैसे वो मुर्दा है, वो कब्र में है। जिस तरह हम कब्र वाले को सुना नहीं सकते, कब्र वाला हमारी आवाज़ नहीं सुन सकता, इसी तरह गोया के एक काफिर शख्स को नबी भी क्यों ना हो, कोई बड़े से बड़ा नबी का वारिस,
दीन की दावत देने वाला क्यों ना हो, अगर वो काफिर है और मुर्दा ज़हन का है तो नबी भी उसे हदायत नहीं दे सकते। अल्लाह जिसे चाहे हदायत दे दे। हदायत के समय दो किस्में हैं, हदायत की दो किस्में हैं। एक हदायत की किस्म है किसी को रास्ता दिखा देना, ये हक है और ये बातिल है, किसी को बता देना कि ये हक और बातिल है। ये नबी भी कर सकते हैं, नबी के वरसा भी कर सकते हैं, किसी को ये बता देना कि ये सही रास्ता है, ये रास्ता सही नहीं है। और हदायत से एक मुराद कि सिर्फ किसी को रास्ता दिखाना नहीं, किसी को ये बताना नहीं कि ये हक और ये बातिल है, बल्कि हदायत से एक मुराद ये भी होती है कि किसी को ये बताना, किसी का दिल फेर देना हक हक की तरफ या बातिल की तरफ। हदायत की एक किस्म है किसी को बता देना, किसी को खबर दे देना, किसी को डरा देना, किसी को बशारत दे देना। ये मखलूक भी कर सकती है, जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वइन्नक लतहदी इला सिराति मुस्तकीम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आप तो सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हैं। सिराति अल्लाहि अल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, उस अल्लाह के रास्ते की तरफ जिसके लिए जो कुछ आसमान और जमीन में है सारा का सारा उसका है। तो इस ये सूरह शूरा की आयत है, सेकंड लास्ट आयत। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वइन्नक लतहदी इला सिराति मुस्तकीम, आप लोगों को सिराते मुस्तकीम की रहनुमाई करते हैं। तो यहाँ हिदायत से क्या मुराद ली जाएगी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, तो यहाँ हिदायत से मुराद दिल बदलना मुराद होगा, या यहाँ हिदायत से मुराद रास्ता दिखाना मुराद होगा, हक और बातिल की खबर देना मुराद होगा। जी वही नकल तहदी इला सिरात मुस्तकीम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आप अलबत्ता हिदायत देते हैं, आप रहनुमाई करते हैं सीधे रास्ते की। तो यहाँ हिदायत से मुराद क्या है जी, आप लोग मेरे साथ हैं? जी उस्ताद, यहाँ हिदायत से फिर क्या मुराद है? सर रहनुमाई दूसरे फरमाना वाले, जी एहसान साहब। हाँ जी सर, मैं कह रहा था रहनुमाई करना। जी, यहाँ हिदायत से मुराद रहनुमाई करना, खबर देना मुराद है, क्योंकि यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है, वह इन नकल तहदी इला सिराति मुस्तकीम, ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बेशक आप अलबत्ता आप हिदायत देते हैं सीधे रास्ते की। तो यहाँ हिदायत से मुराद रहनुमाई करना, हक या बातिल बता देना। ये नबी भी बता सकते हैं और नबी के वरसा उलमा भी बता सकते हैं। जैसे कोई बंदा किसी से रास्ता पूछता है तो अगला बंदा बता सकता है कि ये रास्ता खतरनाक रास्ता है, यहाँ डाकू हो सकते हैं, और ये रास्ता जो है ना, दो रास्ते हैं किसी इलाके की तरफ जाने के, वो क्योंकि दूसरा रास्ता ज्यादा सही है, ये महफूज रास्ता है, यहाँ डाकू वगैरह नहीं होते, या ये रास्ता छोटा है वो रास्ता लंबा है। तो जिस तरह किसी को ये बात बताई जा सकती है, तो इस तरह नबी भी और नबियों के वरसा भी लोगों को हक और बातिल बताते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। ये काम मखलूक कर सकती है, खबर दे देना, हक और बातिल बता देना, रहनुमाई कर देना। लेकिन एक है कि किसी का दिल बदल देना, हिदायत से मुराद तौफीक लेना, किसी को तौफीक दे देना, किसी के दिल बदल देना, किसी के दिल को नूर से भर देना, या किसी को गुमराह कर देना, किसी के दिल गुमराही की तरफ फेर देना, ये सिर्फ अल्लाह कर सकते हैं, ये मखलूक नहीं कर सकती। इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, जब अबू तालिब फौत हुए और वो इस्लाम पर फौत नहीं हुए, उन्होंने कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया मरजुल मौत में, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा अफसोस हुआ कि पूरी जिंदगी चचा आपके साथ खड़े थे, आपकी हिमायत करते रहे, तो इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया था कि चचा अगर आप कलमा पढ़ लें, इस्लाम कबूल कर लें, तो मैं अल्लाह के यहाँ कोई झगड़ा कर सकूंगा, कोई बातचीत कर सकूंगा। लेकिन चचा ने कलमा नहीं पढ़ा, तो जब कलमा से इनकार करके वो फौत हो गए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा गमगीन हुए, तो अल्लाह ताला ने कुरान की आयतें नाजिल कर दी, इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, ऐ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
आप भी जिसे चाहें आप उसे हिदायत नहीं दे सकते। अपने चचा, आप अपने चचा को भी आप अगर चाहें तो आप नहीं हिदायत दे सकते, पर आप नहीं दे सके। अल्लाह जिसे चाहे अल्लाह हिदायत दे। इस आयत करीमा में हिदायत से क्या मुराद है? ईमान की हिदायत। ईमान की हिदायत, तौफीक। एक और आयत में है, लैस लक मिन अल अम्र शैउन औ यतूब अलैहिम औ युअज्जिबहुम फइन्नहुम ज़ालिमून। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा, जब जंगे अहद में आप जख्मी हुए और आपके ज़बान अक़दस से निकल गया, वो कौम कैसे कामयाब हो सकती है जो अपने नबी को जख्मी कर दे? तो अल्लाह ताला ने कुरान की आयतें नाजिल कर दी कि ये इख्तियार आपके पास नहीं है। तो इन अल्लाह युस्मिउ मन यशा, बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहे सुना दे। वमा अंत बिमुस्मिउ मन फिल क़ुबूर, और आप ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सुना सकते जो कब्र में है। तो इससे असल में मुराद क्या है? सियाक व सिपाक को देखें तो इससे मुराद असल में हिदायत देना, रहनुमाई करना, तो ये मुराद है। अल्लाह जिसे चाहे सुना दे, यानी अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे दे, इससे मुराद वो हिदायत है जो तौफीक वाली हिदायत, दिल बदल देना, वो वाली हिदायत, वो अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे दे। नबी भी काफिर शख्स को हिदायत नहीं दे सकते, दिल नहीं बदल सकते। असल में यहाँ ये मुराद है। ये तो असल माना हो गया सियाक सिपाक की रोशनी में। क्या हम इस आयत करीमा से ये मुराद दे सकते हैं कि अल्लाह, यानी जाहिरन सुनाना, अल्लाह जिसे चाहे सुना दे, नबी भी कब्र वालों को नहीं सुना सकते, यानी कब्र वाले नहीं सुनते, नबी भी सुनाना चाहे तो नबी भी नहीं सुना सकता, हाँ अगर अल्लाह सुनाना चाहे अल्लाह सुना दे। क्या ये मुराद दिया जा सकता है? इसका असल मफहूम सियाक व सिपाक की रोशनी में मैंने पहले बयान कर दिया है। तो क्या यहाँ मुर्दा सुनता है कि नहीं सुनता, ये उसूल यहाँ से लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता? जी इस पर हम पहले बात भी कर चुके हैं। जी आप में से कोई जवाब देगा? मिस जरतशा आप बताइए। मेरी आवाज आ रही है आपको? सर आ रही है कि प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दें। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन अल्लाह युस्मिउ मन यशा वमा अंता बिमुस्मिउ मन फिल कुबूर से क्या मुराद है? मैंने अभी जो कॉन्टेक्स्ट की रोशनी में बयान किया कि यहाँ मुराद हिदायत देना है, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे, नबी भी कब्र वालों को, कब्र वालों से मुराद यहाँ कुफार है, कब्र वालों को नबी भी हिदायत नहीं दे सकते, ये मुराद है। अगरचे इसका लफ्जी माना यह है, बेशक अल्लाह जिसे चाहे सुना दे, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी कब्र वालों को नहीं सुना सकते, यहाँ मुराद हिदायत देना है। जैसे ये आयत नंबर 19 से लेकर 22 तक मौजू असल में कुफर और ईमान का, हक और बातिल का मौजू चल रहा है। तो असल में यहाँ मुराद हिदायत देना मुराद है। लेकिन क्या इस आयत करीमा से हम वो जो मुर्दा सुनता है कि नहीं सुनता, क्या इस बारे में हम कोई रहनुमाई ले सकते हैं? यहाँ से हम उसूल निकालें कि कब्र वाला मुर्दा नहीं सुनता, नबी भी सुनाना चाहें तो नबी भी नहीं सुना सकते ज़ाती तौर पर, हाँ अल्लाह जिसे चाहे सुना दे, अल्लाह के हुक्म से नबी बतौर मौजज़ा किसी को सुना दें तो सुना दें, वैसे मुर्दा नहीं सुनता। क्या ये मुराद ली जा सकती है यहाँ से, इस आयत करीमा से? जी सर, और वैसे भी ये खास वाक्या था ना जो जंगे बदर के उसमें था, आप ने उस वक्त की दुआ पढ़ी थी ना उनको जब वो कुएं में फेंका था, तो कौन सी दुआ? यही वाली आयत तब पढ़ी थी ना, ये तब नाजिल हुई थी कि जब उन्होंने उसके जो जंगे बदर के थे कुफार के कातिल थे और वो एक उसमें कुएं में उनको डाला गया था, तो उस वक्त आप ने कहा था ये इस वक्त मेरी इस बात को ज्यादा सुन रहे हैं। आई थिंक ये उसके बारे में नहीं है। ना जी, वो सही बुखारी की हदीस है कि
आपने जंग बदर में जो बड़े बड़े कुफार मारे गए थे उनके सरदार, तो जी आपने हुक्म जी दिया था कि उनको कुएं में डाल दिया जाए, फिर आपने जी उनको खिताब फरमाया था, और आपने जी खिताब से उनसे यही फरमाया था कि अल्लाह ने तुमसे भी वादे किए थे, अल्लाह ने हमसे भी वादे किए थे, तो हमने तो अल्लाह के वादों को सच पाया है कि अल्लाह ने हमें फतह दी है। अल्लाह ने तुमसे भी वादा किया था कि अल्लाह तुम्हें अजाब देंगे अगर तुम ईमान ना लाए, अल्लाह तुम्हें जलील रुसवा करेंगे, तो हमने तो अल्लाह के वादों को सच पाया है, क्या तुमने अल्लाह के वादों को सच पाया है कि नहीं पाया? तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे खिताब कर रहे हैं, ये तो मुर्दे हैं, ये तो आपका खिताब कैसे सुन सकते हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये इस वक्त मेरा खिताब सुन रहे हैं। तो अब ये आयतें उस मौके पर नाजिल हुई या ना हुई वल्लाहु आलम, लेकिन क्या इस आयते करीमा से आयत नंबर 22 से हम ये कब्र वाले सुनते हैं कि नहीं सुनते, हम इस बारे में कोई उसूल ले सकते हैं इस आयते करीमा से? असल इससे मुराद तो हिदायत देना, वो मुराद है जैसे मैं बयान कर चुका हूँ। क्या हम इससे कब्र वाले सुनते हैं कि नहीं सुनते, मुर्दे सुनते हैं कि नहीं सुनते, ये उसूल मुराद ले सकते हैं? मैंने पिछले लेक्चर में बड़ी तफसील से इसकी वजाहत की थी, लेकिन शायद आप लोगों को याद नहीं रहा, या असल में यहाँ मुराद है हिदायत। अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे, नबी भी कब्र वालों को यानी कुफार को हिदायत नहीं दे सकते, असल तो मुराद ये है। लेकिन यहाँ से बिल्कुल हम ये उसूल ले सकते हैं कि कब्र वाला यानी मुर्दा, हकीकी मुर्दा, अगरचे यहाँ कब्र वाले से मुराद काफिर है, लेकिन हम यहाँ से ये उसूल ले सकते हैं कि हकीकी मुर्दा नहीं सुनता। ये उसूल इस आयत करीमा से बिल्कुल लिया जा सकता है। वमा अंत बिमुस्मिउ मन फिल कुबूर, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी नहीं सुना सकते कब्र वाले को, अगरचे यहाँ कब्र वाले से मुराद काफिर है, तो लेकिन और इससे मुराद है काफिर को आप हिदायत नहीं दे सकते। लेकिन इसी आयत करीमा से ये भी साबित होता है कि कब्र वाले को नबी भी नहीं सुना सकते, क्योंकि कैसे साबित होता है? जब अल्लाह ताला जब इससे यहाँ कब्र वाले से मुराद काफिर है, अल्लाह कहते हैं काफिर गोया के कब्र वाले की तरह है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह कब्र वाले को कोई नहीं सुना सकता, आप भी नहीं सुना सकते, तो काफिर भी कब्र वाले की तरह है, आप काफिर को हिदायत नहीं दे सकते। तो गोया के नबी भी काफिर को हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह ने उसको कैसे तशबीह दी काफिर को, कब्र वाले से, मुर्दा से? तो गोया के अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस तरह एक मुर्दा शख्स को ऐ नबी आप नहीं सुना सकते, बिल्कुल इसी तरह एक काफिर शख्स भी कब्र वाले मुर्दा की तरह है, उसे भी आप हिदायत नहीं दे सकते। तो ये उसूल साबित होता है यहाँ से, अगर नबी काफिर को नहीं हिदायत दे सकते, अल्लाह ने यहाँ काफिर को तशबीह दी है कब्र वाले से और मुर्दे से, तो बिलौला साबित हुआ कि नबी मुर्दे को या कब्र वाले को भी नहीं सुना सकते अपनी मर्जी से, अल्लाह जिसे चाहे सुना दे, ये अल्लाह के हुक्म से। अगर अल्लाह के नबी बतौर मौजजा किसी कब्र वाले को, किसी मुर्दे को कुछ सुनाना चाहें, जैसे अहले बदर को मुशरिकीन जो मरे थे उनको आपने सुनाया था, वो अल्लाह के हुक्म से सुनाया था, अपने तौर पे नहीं सुनाया था। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? ये कल भी इस मौजू पर तफसील से हमने बात की थी। चलें, बहरहाल शायद नहीं बाद में ज्यादा समझा सका सही तरीके से। इन अंत इल्ला नजीर, नहीं है आप मगर डराने वाले, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं है आप मगर डराने वाले, यानी आपका काम सिर्फ डराना है, आप हिदायत नहीं दे सकते, आप सिर्फ लोगों को रहनुमाई कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, लोगों को डरा सकते हैं, आपका काम डराना है, दिल फेरना, ये चीजें आपके हाथ में नहीं है। इन्ना अरसलना का बिलहक बशीरा व नजीरा, बेशक हमने भेजा है आपको हक के साथ बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर, यानी हमने आपको बतौर रसूल, बतौर नबी आपको हमने मबूस किया है, हक के साथ हमने आपको भेजा है, आप हक लाए हैं, आप हक का पैगाम पेश कर रहे हैं, आप पर उतरने वाली वही कुरान की सूरत में हो, हदीस की सूरत में हो, वो बरहक है, और हमने आपको बशारतें देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। ईमान वालों को आप अल्लाह के हुक्म से बशारतें देते हैं जन्नत की, अल्लाह की नेमतों की, और कुफार को, नाफरमानों को आप डराते हैं।
वइन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, और नहीं है कोई भी उम्मत मगर गुजरा है उसमें डराने वाला। वइन मिन उम्मतिन, और नहीं है कोई भी उम्मत, इन यहाँ नहीं के माना में है, इनका असल मतलब अगर होता है लेकिन यहाँ इन नहीं के माना में है। इल्ला से पहले इन नहीं के माने में होता है, और नहीं है कोई भी उम्मत इल्ला खला फीहा नजीर मगर गुजरा है उसमें डराने वाला। क्या मतलब नहीं है कोई भी उम्मत मगर गुजरा है उसमें डराने वाला? क्या मुराद है इससे? यानी कोई भी उम्मत ऐसी नहीं जिसमें डराने वाला ना गुजरा हो। नबियों की बात हो रही है या रसूलों की या उनकी तालीमात की? क्या मतलब हुआ कि हर उम्मत में कोई ना कोई रसूल गुजरा है? सर कभी कभी तो होते थे, लेकिन कभी कभी उनकी तालीमात बाकी रहती थी जो दूसरे नबी आगे कंटिन्यू करते थे। हाँ, यानी इसका मतलब यही हुआ, यहाँ नज़ीर से मतलब डराने वाला, रसूल, नबी, तो कोई भी ऐसी उम्मत नहीं है जिसमें डराने वाला ना गुजरा हो, यानी रसूल ना गुजरा हो। दूसरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं, वली कुल्ली उम्मत और रसूल, हर उम्मत के लिए एक रसूल होता है। वली कुल्ली कौमिन हाद, हर कौम के लिए एक हादी होता है। तो गोया कि हर उम्मत में कोई ना कोई डराने वाला, कोई ना कोई हिदायत देने वाला, कोई ना कोई रसूल गुजरा है। वली कुल्ली उम्मत और रसूल, तो यहाँ डराने वाले से मुराद नबी और रसूल है। कोई उम्मत भी, कोई कौम भी रसूल नबी के बगैर नहीं गुजरी। अब सवाल पैदा होता है, क्या हर उम्मत में, हर कौम में रसूल आया है? अल्लाह फरमाते हैं कोई ऐसी कौम नहीं है, लेकिन हमें बहुत सी ऐसी कौमें नजर आती हैं। तो क्या मुराद लेंगे यहाँ? वही बात जो अभी मिस एमन ने कही थी कि हर उम्मत में रसूल गुजरा है, इसे मुराद या तो रसूल बनफ्से नफीस आया है, या रसूल की रिसालत और रसूल का पैगाम वो रसूल के वरसा से और उलमा से लोगों तक पहुंचता रहा है। बिलउमूम हर उम्मत में या रसूल आया है या रसूल की दावत पहुंची है। मसलन आज हम कह सकते हैं हमें रसूल नहीं आया। इस माने में रसूल नहीं आया कि बनफसे नफीस रसूल वो तो नबी सफर के बाद नहीं आ सकते, लेकिन हम में रसूल मौजूद है से मुराद यानी नबी करीम सल्लम की तालीमात कुरान की सूरत में, सही हदीस मुबारक की सूरत में मौजूद है। क्योंकि नबी करीम सल्लम के बाद किसी और नबी ने नहीं आना, कुरान के बाद किसी और किताब ने नहीं आना, तो अल्लाह ने इसीलिए तो कुरान की और हदीस की हिफाजत की है, और ये क्यामत तक महफूज रहेंगे, ताकि वो हर उम्मत में एक रसूल और एक डराने वाली वो कैफियत मौजूद रहे, सच्चा दीन मौजूद रहे। तो ये मुराद है, वल्लाहु आलम। चलें, इतना ही काफ़ी आज के लिए, बाकी इंशाल्लाह आइंदा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।